हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम रनिंग सेन। तो आज के इस लेक्चर में हम एनर्जी एंड पावर सिग्नल फाइंड आउट करेंगे, या फिर एनर्जी एंड पावर फाइंड आउट करेंगे कुछ बेसिक फंडामेंटल सिग्नल्स के। तो पहला क्वेश्चन है एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी। देखिए, इसके लास्ट क्लास में हमने एनर्जी एंड पावर सिग्नल के कुछ थ्योरी स्टडी किए थे, कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे। हमने ये देखा था कि एनर्जी एंड पावर सिग्नल का कोई ऐसा खास कोई डेफिनेशन नहीं होता, बस हमें इतना याद रखना पड़ेगा वो वैल्यू जिसकी एनर्जी सिग्नल उस सिग्नल को कहते हैं जिसकी फाइनाइट वैल्यू है, तो उसको हम एनर्जी सिग्नल कहते हैं। पावर सिग्नल भी हम उस सिग्नल को कहते हैं यदि उसकी वैल्यू, यदि फाइनाइट वैल्यू आती है पावर की, तो हम उसको पावर सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी सिग्नल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, एनर्जी सिग्नल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर टी डी टी। ये आपका एनर्जी सिग्नल निकालने का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट पावर सिग्नल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू टी इंटीग्रेशन फॉर्म माइनस टी टू प्लस टी, ओके, एक्स स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, एक्स स्क्वायर टी डी टी। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो सिग्नल दिया हुआ है इसका हम एनर्जी एंड पावर सिग्नल कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो इस वाले सिग्नल का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर इसका सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू यू टी। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जब हम यूनिट स्टेप सिग्नल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता है और ये जो एक्सपोनेंशियल है, ये राइज एक्सपोनेंशियल डिके सिग्नल दिया है क्योंकि ई के पावर में माइनस है, तो यदि हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा कुछ इस प्रकार से, कुछ इस टाइप से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा ऐसा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी का। तो आपका वाई एक्सिस क्या शो करता है, एक्स ऑफ टी ओवर द टाइम एक्सिस विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी। ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी। ये जो आपका ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो आपका एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शंस का भी एम्पलीट्यूड वन है और यूनिट स्टेप फंक्शन का एम्पलीट्यूड वन है, एक्सपोनेंशियल डिके सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड वन है, तो ये वन ही होगा। ठीक, ये वन होगा। और अब हम इसमें एनर्जी सिग्नल लगाते हैं, तो जब हम एनर्जी सिग्नल लगाएंगे तो एनर्जी सिग्नल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर टी डी टी। ई टू द पावर माइनस ए को ए टी का जब स्क्वायर करेंगे तब क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टू ए टी यू टी डी टी, ओके, यू टी डी टी हो जाएगा। और ये जो फंक्शन है ये जीरो टू इन्फिनिटी जीरो से, यानी कि राइट हैंड साइड पे डिफाइंड है, यानी कि जीरो टू इन्फिनिटी डिफाइंड है ई टू द पावर माइनस टू ए टी इंटू यू टी डी टी। नाउ जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई टू द पावर माइनस टू ए टी का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस टू ए टी अपॉन माइनस टू ए। लिमिट क्या होगी आपकी, जीरो से इन्फिनिटी होगी, जीरो से इन्फिनिटी होगी लिमिट। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी लिमिट होगी।
ठीक। अब यहाँ पे देखिए e टू दी पावर इन्फिनिटी तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक, माइनस e टू दी पावर जीरो, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 1/2a। अब एनर्जी सिग्नल का यूनिट क्या होता है, वो होता है जूल्स होता है, तो ये जूल्स हम लिख देंगे। तो इस टाइप से हम एनर्जी सिग्नल निकालते हैं। और व्हाट अबाउट पावर सिग्नल, पावर सिग्नल का यदि पावर सिग्नल की यदि हम बात करें तो पावर सिग्नल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी सिग्नल में यदि हमें पावर सिग्नल निकालना है तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/2t माइनस टी टू प्लस टी। यहाँ पे माइनस में तो कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो प्लस में ही है जो फंक्शन डिफाइंड है, प्लस टी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टी डी टी। तो ये हम लिख देंगे डायरेक्टली, मैं लिख रहा हूँ e टू दी पावर माइनस 280 माइनस 280 माइनस 280 यू टी डी टी, ओके, ठीक है। नाउ अब हम लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। देखिए एक चीज़ देखिए, जब हम t टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल दिया, ये जो इसकी जो वैल्यू है ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया, सॉरी इसकी नहीं, मतलब इस वाले पोर्शन की हमने वैल्यू निकाल दिया। जब हम t टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आया था, 1/2a आया था। तो इसकी जगह हम p इक्वल्स टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/2t इंटू 1/2a। जब हम t टेंस टू इन्फिनिटी इस फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनीथिंग इज डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो, तो पावर सिग्नल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि पावर आपका क्या आया, जीरो आया, और एनर्जी क्या आई, एनर्जी आपकी एक फाइनाइट वैल्यू है जिसकी वैल्यू है 1/2a। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, कोई भी, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई भी सिग्नल का यदि एनर्जी फाइनाइट होगा तो उसकी पावर सिग्नल की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, ठीक है। यानी कि यदि कोई भी सिग्नल का एनर्जी सिग्नल यदि फाइनाइट में दे रहा है तो उसका पावर जो सिग्नल होगा वो हमेशा जीरो देगा, ठीक है। इस टाइप से हम कोई भी सिग्नल का एनर्जी और पावर सिग्नल निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं एक और सिग्नल, चलिए नेक्स्ट हमने लिया ये वाला सिग्नल, है ना, ये हमने लिया रेक्टेंगुलर सिग्नल, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इस टाइप से होगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा x ऑफ t और ये t, देखिए tau दिया है, यानी कि tau टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड tau होगा तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा माइनस tau बाई 2 से प्लस tau बाई 2, और इसका एम्पलीट्यूड क्या दिया हुआ है, a दिया है एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड a दिया है। अगेन हम इसका एनर्जी सिग्नल निकालेंगे, एनर्जी सिग्नल का फॉर्मूला क्या क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर टी इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक की टाइम की वैल्यू में एम्पलीट्यूड डिफाइंड है, माइनस टाउ बाई 2 से प्लस टाउ बाई 2 के बीच में एम्पलीट्यूड डिफाइंड है ए स्क्वायर डी टी, ठीक है, ए स्क्वायर डी टी डिफाइंड है, ठीक। चलिए ए स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, लिमिट क्या होगा, माइनस टाउ बाई 2 से प्लस टाउ बाई 2, एंड टाउ बाई 2 प्लस टाउ बाई 2 टू टाउ बाई 2 बाई 2 टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर आएगा ए स्क्वायर इंटू टाउ जूल्स आएगा, ठीक है। अब पावर सिग्नल की बात करते हैं, पावर सिग्नल कैसे निकालते हैं, किसी भी सिग्नल का पावर सिग्नल कैसे निकालते हैं, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी
लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, ओके, वन अपॉन सॉरी वन अपॉन टू टी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक, एक्स स्क्वायर टी डी टी। अगेन यहाँ पे देखिए लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक, वन अपॉन टू टी, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू में एम्पलीट्यूड डिफाइंड है, कहाँ से कहाँ तक की, माइनस टाउ बाई टू से लेके प्लस टाउ बाई टू, और एक्स स्क्वायर टी यानी कि ए स्क्वायर डी टी। देखिए अगेन यहाँ पे देखिए, अगेन ये जो माइनस टाउ बाई टू से प्लस टाउ बाई टू ए स्क्वायर डी टी, ये ऑलरेडी एनर्जी सिग्नल है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। क्या फाइंड आउट किया था, ये हमने फाइंड आउट किया है ए स्क्वायर इंटू टाउ, तो वन अपॉन टू टी इंटू ए स्क्वायर इंटू टाउ। तो जब हम लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर सिग्नल, पावर सिग्नल इज जीरो। अगेन देखिए रेक्टेंगुलर जो फंक्शन का जो एनर्जी सिग्नल है वो फाइनाइट आया और पावर सिग्नल आपका जीरो आया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी रेक्टेंगुलर, कोई भी किसी भी टाइप का सिग्नल का जब एनर्जी सिग्नल फाइनाइट आता है तो उसका पावर सिग्नल डेफिनेटली जीरो आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सिग्नल देखते हैं। नेक्स्ट सिग्नल सिंपल सा हमने उठाया, यूनिट स्टेप सिग्नल। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा यूनिट स्टेप का, इस प्रकार से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब इसके एनर्जी सिग्नल की बात करते हैं। एनर्जी सिग्नल हम कैसे निकालते हैं, एनर्जी सिग्नल निकालते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑलवेज यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन होता है, तो जीरो टू इन्फिनिटी। एम्पलीट्यूड क्या है, वन है, तो वन इंटू वन इज वन, और डी टी। नाउ अगेन यदि डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है, लिमिट क्या होगी, जीरो से इन्फिनिटी होगी। तो एनर्जी सिग्नल क्या है, इन्फिनिटी आया, ठीक है, एनर्जी सिग्नल क्या है, इन्फिनिटी आया। चलिए बात करते हैं पावर सिग्नल की। तो पावर सिग्नल की जब हम बात करने जाएंगे तो पावर सिग्नल का फॉर्मूला क्या होता है, पावर सिग्नल का फॉर्मूला होता है वन अपॉन टू इंटू कैपिटल टी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर सॉरी लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ओके वन अपॉन टू टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर टी डी टी, ठीक है, ये होती है वैल्यू। नाउ सॉरी इसकी एक्चुअली ये होती है माइनस टी टू प्लस टी होती है ना, माइनस टी से टी टू प्लस टी होता है, इस प्रकार से माइनस टी से प्लस टी होता है, ठीक है। अगेन देखिए पावर सिग्नल और निकालते टाइम में देखिए लिमिट क्या रखेंगे, हम लिमिट हम रखेंगे लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू टी राइट हैंड साइड में लिमिट, राइट हैंड साइड में फंक्शन डिफाइंड है, तो जीरो से प्लस टी, ओके, एक्स स्क्वायर टी यानी कि एम्पलीट्यूड वन है तो डी टी हो जाएगा। लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू टी टी का इंटीग्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है, जीरो टू कैपिटल टी, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू टी इंटू टी, ये टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, टू, वन अपॉन टू, हम इसकी यूनिट क्या रखेंगे,
हम इसकी यूनिट क्या रखेंगे, 1/2 आंसर आएगा इसका, ठीक है, 1/2 पावर की जो यूनिट होती है वाट, वो रख देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि एनर्जी सिग्नल, यदि कोई भी सिग्नल का पावर यदि फाइनाइट आता है तो उसका एनर्जी सिग्नल क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया था, यदि पावर सिग्नल जीरो होगा तो एनर्जी सिग्नल फाइनाइट होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक ठीक है। इस टाइप से यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल का पावर सिग्नल फाइनाइट होता है और एनर्जी सिग्नल इनफाइनाइट होता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैम फंक्शन की, नेक्स्ट हम बात करेंगे रैम फंक्शन का। तो रैम फंक्शन का अगेन हम क्या करेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्लोप फॉर्म में होता है इस टाइप से, ठीक है, जीरो ये एक्स ऑफ टी डी टी, ठीक। नाउ अगेन इसका एनर्जी सिग्नल देखते हैं, एनर्जी सिग्नल कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर टी डी टी। एक्स टी क्या होता है एनर्जी सिग्नल का, रैम फंक्शन का एक्स टी क्या होगा, टी होगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन प्लस इन्फिनिटी टी डी टी, अगेन देखिए माइनस जीरो से प्लस इन्फिनिटी टी डी टी, टी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी, ठीक। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है कि टी का एक्स ऑफ टी टी होगा, टी का स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर होता है, तो ये टी क्यूब बाई थ्री होगा और यहाँ पे टी क्यूब बाई थ्री होगा, ठीक है। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो टू इनफाइनाइट है तो क्या आएगा लिमिट, जब आप पुट करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, तो इसका एनर्जी सिग्नल इनफाइनाइट आया, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट, चलिए बात करते हैं हम पावर सिग्नल का। पावर सिग्नल कैसे निकालते हैं, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू टी माइनस टी टू प्लस टी एक्स स्क्वायर टी डी टी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 टी, ये जीरो से प्लस टी फंक्शन डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 टी टी क्यूब 3 होगा जीरो टू प्लस टी, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ये लिमिट रख देंगे हम, इंटीग्रेशन वाला जो वैल्यू आया उसमें रख देंगे 1/2 टी इंटू टी क्यूब बाई 3 आएगा। देखिए ये एक टी और एक टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो टी स्क्वायर बचेगा और टी जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो पावर सिग्नल क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो देखिए यहाँ पे इस वाले रैम फंक्शन का एनर्जी सिग्नल क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, पावर सिग्नल क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब रैम सिग्नल किस टाइप का सिग्नल है, एनर्जी है कि नहीं, नहीं है, नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, ठीक। तो इस टाइप से हम किसी भी सिग्नल का एनर्जी एंड पावर सिग्नल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक सिग्नल्स उठा के हमने एनर्जी एंड पावर सिग्नल फाइंड आउट किया। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि
एनर्जी सिग्नल निकालते टाइम पे, ठीक है, एनर्जी सिग्नल पावर सिग्नल निकालते टाइम में यदि पावर सिग्नल फाइनाइट आएगा, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी सिग्नल यदि पावर सिग्नल फाइनाइट आएगा तो एनर्जी सिग्नल इनफाइनाइट आएगा, और एनर्जी सिग्नल फाइनाइट आएगा तो पावर सिग्नल जीरो आएगा। और जैसे कि हमने रैम सिग्नल लिया तो उसका एनर्जी और पावर सिग्नल दोनों इनफाइनाइट होगा, तो रैम टाइप के सिग्नल क्या होते हैं, ना ही एनर्जी होते हैं नॉर पावर सिग्नल होते हैं, किसी भी टाइप का सिग्नल नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर।